नमस्कार, आज मैं आप सबों के बीच एक दुखदायी खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जब भी दीपावली आती है, 15 दिन 20 दिन पहले से केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा विभिन्न अखबारों में विभिन्न माध्यमों से यह प्रचारित किया जाता है कि आतिशबाजी नहीं करें, अगर आतिशबाजी करें भी तो सावधानी से करें। सरकार जैसे आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है, समाज का एक वर्ग बड़ी तेज़ी से सामने आता है और उस प्रतिबंध का विरोध करने लगता है। देखिए, आतिशबाजी का यही नतीजा है। आज मैं मौजूद हूँ बिहार के गोपालगंज के उचका गांव प्रखंड के लोसी गांव में। बच्चों ने आतिशबाजी क्या की और उससे एक चिंगारी निकली। चिंगारी जाके एक फूस की झोपड़ी पर गिरी और देखते ही देखते झोपड़ी लाखों रुपये संपत्ति के साथ राख हो गई। लोसी में हैं और आतिशबाजी की एक चिंगारी से आज यह झोपड़ी राख हुई है। इसमें लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति है। गृहस्वामी मेरे साथ हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे आग लगी हुई। क्या आपका शुभ नाम है? भोला महतो। भोला जी हैं, कैसे आग लग गई? बच्चे लोग पटाखा जा रहे थे, उन लोग को डांटे हम लोग कि भाग जाओ भाग जाओ, और कैसा वो लोग लगा दिया पता ही नहीं लगा। अच्छा, आतिशबाजी से आग लगी है। हाँ। कितना का संपत्ति जरल? बहुत चीज का बा महाराज, सब लोग गहनों गुरी जरल ना, वो सब ना रहा, लेकिन बकरा बकरी गाड़ी वोड़ी सब वही मरला, साइकिल वाइकिल सब वही मरला। का उम्मीद रखेंगे सरकार से अब? का हम बोलेंगे अब जी, हो अपने कुछ बीपीएल वगैरह है जी, बाबा राशन मिलता है? हाँ, परिवार इसी में रहता था ना? हाँ, वो कहा होते माता पिता जी, खाना वाना इसी में बनता था? नहीं, अलग बनता था खाना, रहते थे इसमें। हाँ, यही घर था। हाँ, अब कहाँ रहेंगे आप? अब फिर बनेगा तो फिर तो रहेंगे ना। पैसा वैसा है बनाने के लिए? अब देखेंगे क्या करेंगे। कहा भइल बा काकी, काहे रोत नहीं, का हो गई बा? यही में रहत रही है रूरा? पानी रुपया पैसा साइकिल जो रहा तो बर्तन सब सारा खत्म। देख सकते हैं एक छोटी चिंगारी कब 16 का रूप धारण कर लेगी यह कोई नहीं जानता है। बच्चे दीपावली के उत्साह और उमंग में आतिशबाजी कर रहे थे, आतिशबाजी के दौरान ही एक चिंगारी निकली जो 16 बन करके इस गरीब के आसियाने को निगल गई। आप तमाम लोगों से भी मैं यह निवेदन करता हूं, जो लोग इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, आप सबों से मेरा यह आग्रह है कि अभी 2 दिन दीपावली है, उसके बाद लोक आस्था का महापर्व छठ भी आ रहा है। छठ में भी बच्चे जम के आतिशबाजी करते हैं, घर से लेकर और छठ घाटों तक। आप तमाम लोगों से भी मैं यह निवेदन करता हूं कि आतिशबाजी अगर आपको करनी है, अपने बच्चों से आतिशबाजी करानी है, तो सावधानीपूर्ण आतिशबाजी करें। यह तो एक झोपड़ी के साथ घटना हुई है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आतिशबाजी के दौरान छोटे छोटे बच्चे झुलस जाते हैं और ज़िंदगी और मौज के बीच झूलने लगते हैं। जिला प्रशासन और अंचल प्रशासन से भी मैं यह निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास तक यह सूचना पहुँचे तो इस गरीब को निश्चित रूप से कुछ मदद होनी चाहिए। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अब है। आप सबों को सादर नमस्कार।